नमस्कार दोस्तों, NSDL पेमेंट बैंक की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल के आई है। NSDL पेमेंट बैंक अपने सर्विस चार्ज में कुछ बढ़ोतरी कर दिया गया। पहले से अब आपको ज़्यादा चार्ज लगेगा यदि आपका अकाउंट NSDL पेमेंट बैंक में होगा तो। अब आपको क्या चार्ज लगेगा था वीडियो के एंड तक बने रहे, अभी आपको पूरी जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। आपका अकाउंट यदि NSDL पेमेंट बैंक में होगा, देखिए आपको इस प्रकार से एक मेल देखने के लिए मिल गया होगा NSDL पेमेंट बैंक की तरफ से। तो इस मेल में आपको सारा डिटेल देखने के लिए मिल गया होगा, इसलिए आपको हम सब डिटेल से बता। यदि आप अपना मेल चेक नहीं किए, यदि आप अपना मेल चेक कीजिएगा, देखिए आपको इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाएगा आपको मेल। इसमें देखिए आपको सबसे पहले ऊपर में कहेगा SMS अलर्ट चार्ज। यदि आप अपना अकाउंट NSDL पेमेंट में ओपन किए तो आपको अब SMS अलर्ट चार्ज लगेगा, अर्थात आप अपने अकाउंट के साथ कुछ भी लेन देन कीजिएगा, मान लीजिए कहीं से पैसे मंगवाइएगा या फिर कहीं से पैसे भेजाइएगा, आपके मोबाइल नंबर पर जो भी SMS आएगा उसका आपको चार्ज लगेगा। देखिए ₹5 प्लस GST, ये आपके अकाउंट से पर मंथ काट लेगा NSDL पेमेंट बैंक। आप यहाँ स्पष्ट तौर पर देख पाएंगे आपको अब SMS चार्ज लगेगा। पहले ये चार्ज नहीं लगता था, लेकिन अब आपको ये चार्ज लगेगा यदि आपका अकाउंट NSDL पेमेंट बैंक में है तो। उसके बाद देखिए आपको और भी सर्विस के चार्ज लग जाएगा। इसका क्या अकाउंट क्लोजर चार्ज, यदि आप अपना अकाउंट ओपन किए और चाहते हैं कि हम इसे बंद कर दें, इसके लिए भी आपको चार्ज पे करना होगा, तभी आप अपने अकाउंट को क्लोज अर्थात बंद कर सकते हैं। तो क्या चार्ज लगेगा देखिए आपको यहाँ देखने के मिल जाए। देखिए बोल रहा है अकाउंट क्लोजर विथ इन 14 डे ऑफ अकाउंट ओपनिंग, अर्थात ये कह रहा है कि यदि आप अपना अकाउंट ओपन करने के बाद 14 दिन के अंदर में अपने अकाउंट को बंद कीजिएगा, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। आप ये स्पष्ट तौर पर बंद देखिए बोल रहा है नो चार्ज। यदि आप इस अकाउंट को क्लोज कीजिएगा 14 दिन से 18 मंथ के अंदर में, तो फिर आपको चार्ज लगेगा। आप ये स्पष्ट तौर पर पढ़ेंगे देखिए कह रहा है अकाउंट क्लोजर आफ्टर 14 डे एंड बिफोर 18 मंथ ऑफ अकाउंट ओपनिंग, अर्थात इस बीच में यदि आप अपने अकाउंट को बंद कीजिएगा तो इसके लिए आपको फिर चार्ज लगेगा। कितना देखिए ₹500 प्लस GST। आप यहाँ स्पष्ट तौर पर बन गए आपको अब ये चार्ज लगेगा यदि आप अपने अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं या फिर क्लोज कीजिएगा तो। यदि इसके बाद आप अपने अकाउंट को क्लोज कीजिएगा अर्थात 18 महीने के बाद अपने अकाउंट को बंद कीजिएगा तो आप कर सकते हैं, इसके लिए देखिए आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना। देखिए बोल रहा है अकाउंट क्लोजर आफ्टर 18 मंथ ऑफ अकाउंट ओपनिंग, अकाउंट ओपनिंग के बाद 18 महीने के बाद अपने अकाउंट को यदि आप क्लोज कीजिएगा, देखिए इसके लिए आपको नो चार्ज अर्थात कोई भी चार्ज पे नहीं करूँगा। तो आपको इस प्रकार से आप NSDL पेमेंट बैंक की तरफ से कुछ सर्विस चार्ज देखने के लिए मिल जाएगा। आप एक बार अच्छी तरह चेक कर सकते हैं, इससे पहले भी आपको कुछ चार्ज देखने के लिए मिलता होगा। यदि आप इसका ATM कार्ड लेते होंगे तो इसके लिए आपको ₹300 प्लस ₹54 GST, ₹354 ATM कार्ड का चार्ज पहले देना होता, तभी आप अपना ATM कार्ड ऑर्डर करके अपने घर पर मंगा सकते थे, वो चार्ज अभी भी आपको लगेगा। और अकाउंट ओपनिंग के टाइम अर्थात किसी CSP पॉइंट पर जाकर के अपना अकाउंट ओपन करते होंगे, लगभग आपको ₹300 अकाउंट ओपनिंग चार्ज लग। यदि आप अपना अकाउंट ओपन कीजिएगा तो आपको अभी भी वो चार्ज लगेगा यदि आप अपना अकाउंट NSDL पेमेंट बैंक में ओपन कीजिएगा तो। यदि आप इस चार्ज से सहमत नहीं तो आप अपने अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। देखिए आपको नीचे में भी पढ़ने के लिए मिल जाएगा। देखिए बोल रहा है इफ़ यू डू नॉट एग्री विथ द एबव रिसीव्ड चार्ज यू कैन OPT टू क्लोज योर अकाउंट बाय राइटिंग टू us@care@nsdlbank.com.in, अर्थात यदि आप इस चार्ज से सहमत नहीं तो आप अपने अकाउंट को क्लोज कर सकते। तो क्लोज आप कैसे कीजिए, क्लोज करने के देखिए आपको इस मेल पे अपना एक मेल करना होगा care@nsdlbank.com.in, इस ईमेल पे आपको एक मेल करना होगा डिटेल पूर्वक लिख करके कि हम अपने अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं, हम इस चार्ज से एग्री नहीं है। उसके बाद आपको NSDL पेमेंट बैंक की तरफ से आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। आप मेल कैसे कीजिएगा क्लोज के लिए, हम इसके ऊपर डिटेल पूर्वक वीडियो किए हुए, आपको उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। यदि आप अपना NSDL पेमेंट बैंक को क्लोज करना चाहे तो क्लोज कर सकते हैं ईमेल करके, आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ईमेल करने के लिए, क्योंकि NSDL पेमेंट बैंक आपको कहीं भी कोई भी ब्रांच या फिर CSP देखने के लिए नहीं मिलेगा, जहाँ से कि आप अपने अकाउंट को क्लोज करवा। तो आपको क्लोज करवाने के लिए फिर आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ से मेल करना होगा। आप मेल कैसे कीजिएगा, हम इसके बारे में डिटेल पूर्वक वीडियो किए हुए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन दोनों पे देखने के लिए मिलेगा। आप उस वीडियो को जाकर के देख करके अपने अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मन में कोई भी कन्फ्यूजन सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।